धार्मिक यात्रा के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, उसके स्वरूप पर, उसके आकार पर प्रशासन से चर्चा की जा सकती है, लेकिन यात्रा तो निकलेगी। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद माहौल अभी ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि हिंदू संगठनों ने 28 अगस्त को फिर से ब्रजमंडल यात्रा को पूरे करने का ऐलान कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने स्टेटमेंट जारी करके प्रेस से कहा कि 28 अगस्त को फिर से यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद नूह के लोगों की और प्रशासन की परेशानी बढ़ गई। और उन आतंकवादियों को जिन्होंने यात्रा पर हमला किया था, उनको पकड़ने में जो कार्यवाही करनी चाहिए, हम उनसे संतुष्ट हैं। लेकिन श्रावण माह का आखिरी सोमवार प्रत्येक हिंदू के लिए महत्वपूर्ण होता है। मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन आवश्यक सुरक्षा और सुविधा दोनों उपलब्ध कराएगा और यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी। इस बार की यात्रा वहां के सर्व हिंदू समाज ने तय किया है। आज की प्रेस वार्ता में संपूर्ण मेवात के सभी समाजों के प्रधान उपस्थित थे, इसलिए जो लोग समाजों को बांटना चाहते थे, जो लोग समाज में निराशा पैदा करना चाहते थे, लगता है आज वो पूर्ण रूप से विफल होंगे। सब मिलकर आए हैं और ये तय कर आए हैं, मेवात का हिंदू एक था, एक है और एक रहेगा। बांटने के षड्यंत्र सफल नहीं होंगे। प्रशासन पूरा सहयोग देगा। धार्मिक यात्राओं की अनुमति ली नहीं जाती, धार्मिक यात्राओं के लिए प्रशासन स्वयं आगे बढ़कर सहयोग देता है, सुरक्षा देता है। हम संवेदनशील हैं उन सब मुद्दों को लेकर। भारत की अध्यक्षता में G20 हो रहा है, तावड़ू के अंदर जो मेवात का है वहां भी एक इवेंट होने वाला है, गुरुग्राम में भी होने वाला है और कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहा है। इसलिए हमने तय किया है जब मेवात का सारा हिंदू समाज आगे आ गया है तो हम मेवात से बाहर के हिंदू समाज को वहां निमंत्रित नहीं कर रहे हैं। हमने आह्वान किया है अपने अपने स्थान पर हर प्रखंड लेवल पर एक मंदिर तय करके उसमें सामूहिक जलाभिषेक प्रातः 11 बजे के समय करें। 11 बजे मेवात के सभी मंदिरों में होगा और सभी मंदिरों में सामूहिक जलाभिषेक पूरे हरियाणा में भी। सरकार ने नूह जिले में इंटरनेट बंद कर दिया है और धारा 144 लगा दी है। प्रशासन ने 31 जुलाई की हिंसा को मद्देनजर रखते हुए यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया। नूह के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमने यात्रा के आयोजन से इनकार कर दिया है, फिर भी कुछ संगठनों ने कहा है कि वो यात्रा जरूर निकालेंगे। ये क्या कहना है सर धारा 144 को? देखिए, हमने जो ब्रजमंडल यात्रा है उसके बारे में जो परमिशन थी वो डिनाई कर दी है, लेकिन कुछ संगठनों ने 28 तारीख को इस यात्रा को निकालने का आह्वान किया हुआ है। हमने इसी को ध्यान रखते हुए एक तो धारा 144 पूरे जिले के अंदर लगाई, साथ ही हमने इंटरनेट की जो सुविधा है वो आज 12 बजे से लेके 28 तारीख के 12 बजे तक रात को बंद करवा दी गई है। और हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट पूरे एरिया के अंदर अपॉइंट किए, साथ ही साथ पुलिस पार्टी के साथ वो अपने एरिया में पेट्रोल करेंगे। हमने गांव के अंदर ठीकरी पहरा भी लगाया है ताकि किसी तरह के जो बाहरी तत्व हैं वो अंदर किस छोटी गांव से ना आ पाए और हमें लगातार सूचना मिलती है। सर, क्या किसी प्रकार का, जैसे सुरक्षा की बात करें, कितने नाके तैयार किए गए हैं सुरक्षा को लेके, या रोड मैप क्या तैयार किया गया? देखिए, अभी हमने 114 ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करने के लिए ऑर्डर जारी किया है। इसमें दिन और रात दोनों के समय ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे। हमारे जितने भी बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ सारे पक्के नाके हैं, साथ ही साथ जो हमने इंटरनल रोड्स है या हमारे को सेंसिटिव एरिया जहाँ लगता है, मंदिर के आसपास के एरिया, मस्जिदों के आसपास के एरिया, उन सबों में भी हमने डिप्टी मजिस्ट्रेट और साथ ही साथ नाके लगवाए। विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिस तरीके से आज दिल्ली में बैठक कर आह्वान किया गया है कि यात्रा निकालेंगे, तो क्या कोई संख्या बताई गई है? नहीं, अभी हमारे पास कोई इस तरह की संख्या का नहीं है, लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि सभी लोग अपने एरिया के अंदर, अपना मंदिरों के अंदर जलाभिषेक का जो कार्यक्रम है, जो उनकी तरफ से आह्वान किया है, वहीं तक करें। किसी भी तरह का जो मूवमेंट है यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो बाहर से हो, वो अलाउ नहीं किया।
विश्व हिंदू परिषद के सदस्य ये जिद किए बैठे हैं कि यात्रा तो निकलेगी, शायद ही उनकी नाक का सवाल बन गया है। वीएचपी के जिला संयोजक देविंदर सिंह ने कहा कि मंदिर में जलाभिषेक के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। फिलहाल प्रशासन और संगठन के बीच किसी भी तरह का तालमेल नहीं बन पाया। ये संपूर्ण समाज जो आपके सामने उपस्थित है, अंदर बैठकर हम लोग यही चर्चा कर रहे थे और इन सब ने कहा धार्मिक यात्रा के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कांवड़ यात्रा के लिए कोई अनुमति लेता है क्या? कोई मुहर्रम के ताजिए निकालने के लिए अनुमति लेता है क्या? कोई हनुमान जयंती, रामनवमी के कार्यक्रमों के लिए, ईद की नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मे की नमाज सड़क पर उतर कर पढ़ने के लिए कोई अनुमति लेता है क्या? हम सूचना देंगे, हाँ आकार और प्रकार इस पर बैठकर हम खुले दिल से चर्चा करने के लिए तैयार हैं प्रशासन के साथ। और वहां के सर्व हिंदू समाज की अगुवाई में यह यात्रा रहेगी। श्री अरुण जेलदार जी जो बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं, उनके साथ मेवात के सभी समाजों के सभी धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि उस यात्रा के अंदर उनकी अगुवाई करेंगे। कुछ पूज्य संत भी इसमें प्रमुख रूप से रहने वाले हैं। एक तरफ प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और यात्रा के लिए साफ इनकार कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने यह आह्वान किया है कि यात्रा तो निकाल कर ही रहेंगे। अब कल क्या होगा ये कल ही पता चलेगा। मैं हूं रुबान सारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इस तरह की यात्रा पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।